असलकम आज हम एक बहुत ही ईजी और क्विक रेमेडी बनाने जा रहे हैं फेस मास्क के लिए जो कि बहुत ही अलग तरीके से बनेगी जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक साबुन साबुन हम इसमें कद्दूकश करके डालेंगे थोड़ा सा कि आपकी स्किन के pores को खोलेगा आपकी स्किन को रिफ्रेश भी करेगा और easily जो आपका फेस मास्क हो तो वह आपके मुँह से उतर जाएगा और इसके बाद आपको फेस के उप, आ, मास्क के ऊपर फ़ेस वॉश लगाने की या सोप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर हम ले लेंगे आटा आटे में होता ए, है वाइटामिन ई एंटी ऑक्सीडेंट्स जो उसके होते हैं वो आपकी स्किन के जो कंपाउंड्स होते हैं और जो आपकी एज बड़ी हो जाती है रिंकल्स पड़ जाते हैं एज से पहले अगर आपकी लाइंस पड़ जाती तो उनको ख़त्म कर देते हैं या उनको कम करते हैं और जो आटे आटे के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि आपकी स्किन को वाइट भी करेगी और डार्क स्पॉट्स भी खत्म करेगी उसके साथ साथ आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देगी एक्ने रिमूव करेगी और आजकल तो बहुत बड़ा मसला डार्क सर्कल्स का ये डार्क सर्कल्स भी रिमूव करता है इधर हम ले, ले लेंगे कसूरी मेथी हम कहते हैं या मेथी के पत्ते हम कहते हैं वो हम लेंगे और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंड करके इनका हम बहुत ही स्मूथ पाउडर बना लेंगे अगर आपके पास ग्राइंडर ना हो तो आप इनको हाथों से क्रश करके और फिर छान भी सकते हैं इधर मैंने इसका पाउडर बना लिया है इनमें विटामिन के होता है इनमें विटामिन सी भी होता है जो कि अगेन आपके डार्क सर्किल्स के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है आपकी स्किन को वाइट करेगा उसके साथ साथ आपके फेस से डार्क स्पॉट्स रिमूव करता है और प्योर करता है आपकी स्किन को आपकी स्किन के पोर्स को खोल देता है और उसके साथ साथ एक नेचुरली ग्लो भी देता है इधर हम एक और इसमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा है कि आपकी स्किन के रिंकल्स रिंकल्स एक आजकल पड़ते एज से पहले जो इंसान को रिंकल्स पड़ जाते हैं ये उसको ख़त्म कर देता है डार्क स्पॉट्स और अगेन एक बहुत ही अच्छा ग्लो देगा ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत ही बेहतरीन है हम साबुन को कद्दूकश कर लेंगे और आपको थोड़ा सा लेना है ऐसी बात नहीं है कि आप पूरा साबुन इसमें कर दो इस तरीके से आप थोड़ा उसको रब करोगे और ये बस इधर हो गया ये इतना सा कुछ चाहिए अब इसमें हम एक चम्मच डाल लेंगे मेथी पाउडर का दो स्पून हम डाल लेंगे आटे का इसमें अगर आप चाहो तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हो इधर मैं इसमें सादा पानी डाल रही हूँ फिलहाल मैं सिर्फ दो टे, टेबल स्पून डालती हूँ उसमें और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये मिक्स होने के बाद अभी ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही थिक है तो इधर हम फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं आप इसमें पानी डालते जाएंगे जब तक आपको एक थिक पेस्ट नहीं मिल जाता ये हम फिर से थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं इसमें और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें आप एलोवेरा लेमन और इन चीज़ों की भी एडिशन कर सकते हैं ये हम इधर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ही मिल जाता इस तरीके का तब तक आप इसको मिक्स करते रहिएगा ये देखिए अब इधर हो गया हमारा फेस मास्क रेडी आप इसको अपनी गर्दन पर भी लगा सकते हैं कोनियों के पीछे भी लगा सकते हैं जो कि डार्क स्किन हो जाती है काफ़ी अब हम इसको अच्छे से मसाज कर लेंगे धूप की वजह से कभी कभी हमारी स्किन अनइवन हो जाती है जहाँ तक कपड़ा होता है वहाँ तक सफ़ेद होती है और बाकी जो हमारे बाजू होते हैं हमारी गर्दन होती है वो काली पड़ जाती है तो उसके लिए ये मास्क बहुत ही बेहतरीन है आप अच्छे से इसको जेंटली मसाज करेंगे अपनी फिंगर्स या आप जहाँ पर भी लगा रहे हो बहुत अच्छे से मसाज कर लेंगे मास्क लगाने के बाद आप पंद्रह मिनट तक ट्राई कीजिएगा और फिर इसको वॉश कर लीजिएगा वॉश करने के बाद आप इस पर कोई भी सोप या फेस वॉश मत यूज़ कीजिएगा शुक्रिया खुदा हाफिज़